तो दोस्तों फाइनली वापस आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ वापस। एंड आप सबको पता चल ही गया होगा कि पबजी ने अपना लॉन्च कर दिया ब्रांड न्यू गेम का ट्रेलर जो कि है पबजी न्यू स्टेट। एंड अब जो लोग हैं उनके दिमाग में एक सवाल है कि पबजी न्यू स्टेट को लेके कि क्या ये गेम इंडिया के लिए है, टीसेंट की पार्टनरशिप का क्या हुआ एंड क्या ये गेम इंडिया में लॉन्च होगा या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बेस होंगे पबजी न्यू स्टेट के ऊपर, साथ ही ऐसे फैक्ट जो कि आपको सुन के काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, साथ ही वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो चाहे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना, ऑल पर लगाना ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन का भी मिस ना कर पाए। तो दोस्तों चलिए फिर शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा पूछने वाले जाने वाले क्वेश्चन से, जो कि है कि आप पबजी ने टीसेंट के साथ अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया और ख़त्म कर दिया तो अब पबजी को कौन सा पब्लिशर इंडिया के अंदर इस गेम को पब्लिश करने वाला है। तो जी हाँ, फाइनली पबजी ने टीसेंट के साथ अपनी पार्टनरशिप ख़त्म कर दी है एंड इस बार जो कंपनी पबजी को इंडिया में पब्लिश करने वाली है उसका नाम है क्राफ्टन। अब जिन्हें नहीं पता कि क्राफ्टन क्या है, तो क्राफ्टन वही कंपनी है जिसने पबजी कॉरपोरेशन नाम के गेम को जन्म दिया एंड ऑफकोर्स जो इसका पीसी वर्जन है उसको भी क्राफ्टन ही ओन करता है। अब क्राफ्टन के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं तो क्राफ्टन एक साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है। इसका मतलब पबजी और चाइना का दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। इसका मतलब कि अब जो पबजी न्यू स्टेट है वो अब इंडिया में पक्का लॉन्च होगा। अब चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में जो कि लोग पूछना बहुत चाहते हैं कि क्या पबजी न्यू स्टेट फ्री होगा या फिर नहीं, क्योंकि उसका जो कल ट्रेलर आया उसमें जो उसके ग्राफिक थे वो बहुत ही अच्छे थे, जिस वजह से काफ़ी लोगों के दिमाग में डाउट बन गया कि क्या ये गेम पेड होगा। तो नहीं, ये गेम पेड नहीं होगा, ये गेम ऑफकोर्स बिल्कुल फ्री होगा। एंड एक क्वेश्चन और था लोगों का कि क्या ये गेम फ़ोन के लिए या पीसी के लिए, क्योंकि जो उसके ग्राफिक थे वो किसी पीसी गेम से कम नहीं थे। तो इसका आंसर है कि ये गेम फोन्स के लिए, बाकी जो पीसी प्लेयर हैं वो इसे एमुलेटर लगा के खेलेंगे। तो ऑफकोर्स ये गेम फ़ोन के लिए ही लॉन्च किया जाएगा। चलिए बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन के बारे में जो कि लोगों ने पूछा है। गाइस काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन है कि इस गेम को हम लोग प्री रजिस्टर कैसे कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो बात आती है डाउनलोड की, तो अभी तक ये गेम कहीं भी लॉन्च नहीं हुआ है। एंड बात आती है अगर प्री रजिस्टर करने की, तो इस गेम को आप लोग गूगल प्ले स्टोर जाके प्री रजिस्टर कर सकते हो। हाल फिलहाल अभी तक इसके प्री रजिस्टर चालू नहीं हुई जब मैं इस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कि जब वीडियो अपलोड हो तब तक इसके प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो जाए। बाकी मैं जो इसका लिंक है प्री रजिस्ट्रेशन का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप लोग जरूर से वहाँ जाके चेक कर लेना। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। एंड गाइस अगला जो क्वेश्चन है वो है इस गेम की ऑप्टिमाइजेशन को लेके। हम सबको पता है कि जो पबजी मोबाइल की ऑप्टिमाइजेशन थी वो कहीं ना कहीं बहुत गलत थी, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहे थे। एंड पबजी न्यू स्टेट की रिक्वायरमेंट क्या होंगी, क्योंकि आपको पता है कि गेम में बहुत सारी इंप्रूवमेंट आई हैं। तो पहले बता दूँ कि अगर आपके फ़ोन में 2.5 GB से ज़्यादा रैम है तो ये गेम आपके फ़ोन में एकदम स्मूथ चलने वाला है। साथ ही साथ जो क्राफ्टन है उसने क्लेम किया कि उसने इस गेम की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही अच्छी करी है, जिस वजह से अब इस गेम के लैग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। और अब इस बार जो ये गेम है प्रॉपर अपडेट के साथ आएगा, जैसा कि COD आता है। एंड ऑफकोर्स इस गेम में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि COD से उठा के गेम में लगाएंगे, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन कि क्या ये गेम इंडिया के लिए है, जैसे कि जो पबजी मोबाइल था वो प्रॉपर इंडिया के लिए बनाया गया था एंड आपको पता है वो हर कंट्री के लिए अलग अलग बना हुआ था। तो इस बार क्वेश्चन का आंसर है नहीं, जो पबजी मोबाइल आपका न्यू स्टेट है वो आपका केवल इंडिया के लिए नहीं बनाया गया है। इसका अगर मैं आपको छोटा सा प्रूफ दिखाऊं, तो अगर आप नोटिस करोगे जो पबजी न्यू स्टेट की वेबसाइट है वहाँ पे आपको .com देखने को मिलता है, जबकि जो आपकी पबजी मोबाइल इंडिया की वेबसाइट थी वहाँ पे आपको पबजी मोबाइल .in देखने को मिलता है। एंड अब जिन्हें नहीं पता कि .in और .com क्या होता है, तो छोटी सी लैंग्वेज जो आपका .in होता है वो गाइस आपका रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, और जो .com होता है वो आपका प्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पे। इसका मतलब कि जो पबजी न्यू स्टेट है वो जो कंपटीशन देगा वो होगा फोर्टनाइट और आपके एपेक्स लीजेंड जैसे गेम्स के साथ, मतलब कि जो इसका जो कंपटीशन होने वाला है वो ग्लोबल लेवल पे होने वाला है। इसका मतलब कि पबजी न्यू स्टेट के जो टूर्नामेंट हैं वो बहुत ही बड़े आने वाले हैं। बाकी जो इतने भी जो सबसे ज़्यादा पूछा है क्वेश्चन थे उनके मैंने आपको आंसर दे दिए। बाकी अभी और किसी तरह कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो चाहे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन करना, ऑल पर लगाना ताकि आप हमारे आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।